गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस फॉर सीनियर स्टूडेंट्स 11th एंड 12th। आई विल टीच यू और रिवाइज शॉर्ट इंग्लिश राइटिंग इन इंग्लिश राइटिंग स्पीच विच विल अपियर इन योर ऑनलाइन टेस्ट। सो योर क्वेश्चन इज ऑन द बोर्ड। क्वेश्चन अंकित आप क्लास 12th स्टूडेंट। अंकित एक कक्षा 12 का विद्यार्थी है। बाहर उसे कहा गया है हाँ तो भाई जब टीचर द्वारा उसके थ्रू डिलीवर स्पीच देने के लिए इन द मॉर्निंग असेंबली ऑफ द स्कूल ऑन वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून को जो मनाया जाता है यूजिंग द आइडिया गिवन और ये आइडिया भी इनको यूज करते हुए एंड टुगेदर विद योर अपने संग आइडिया राइट द स्पीच इन मोर देन 50 to 100 वर्ड। नाउ डियर स्टूडेंट्स यू हैव हर्ड स्पीच इन द मॉर्निंग असेंबली इन स्कूल। So your first paragraph of speech is of Edison. In Edison, you should be respected director, professor, teachers. My dear friends, I am Ankit, a student of class 12th, and I am presented before you to deliver a speech on the World Environment Day, that is today, that means on 5th June. So you will begin your first paragraph. Now study the point which are given on the board. Us point diye gaye hai ki let's not pollute the air with breathe. Hame wo sawal ko to se nahi karna chahiye isme hum saans lete hain. Okay, back up in fresh air mein jaake ek maintain ke liye so diye to plant trees and seeds then growing और लगाई उनको देखते ही बढ़ते हुए फायर डाइकल पोल्यूशन से लड़ी है। सो योर क्वेश्चन विल बी आई एम टेलिंग यू द आंसर। Your answer will today I Ankit stand before you to speak on the World Environment Day which is today the 5th of June. As you all know, जैसा कि आप सभी जानते हो, a good environment is beneficial for all of us. हम सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। We all are हम सभी हैं an integral part of the environment. एक अभिन्न हिस्सा होते हैं इस वातावरण के। इट इज नॉट ए कॉन्जीनियस बी आर सफर मीन्स की इफ इट इज नॉट कंडीशन होता है इन नॉट गुड कंडीशन कि अगर हमारा एनवायरमेंट अच्छी अवस्था नहीं होता है तो बी आर सफर फ्रॉम इट हम सभी इससे कष्ट भोगते हैं। सो इसलिए वी मस्ट इंश्योर हमें अवश्य सुरक्षित करना है दैट एनवायरमेंट इज नीट एंड पोल्यूशन फ्री कि हमारा वातावरण साफ सुथरा और पोल्यूशन से मुक्त रहना चाहिए। इन फर्स्ट पैराग्राफ यू विल राइट दिस एंड इन सेकेंड पैराग्राफ यू विल एक्सप्लेन द पॉइंटेड ऑन द बोर्ड विच इज which is given on the board. So your first point is to ensure neat and pollution free environment. We must take a few steps. हमें कुछ कदम लेना चाहिए। फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए वी मस्ट नॉट पोल्यूट द एयर बी टेक बी ब्रीदिंग कि हमें उस हवा को उससे नहीं करना चाहिए जिसमें हम सांस लेते हैं। वी मस्ट वेक अप इन फ्रेश एयर हमें अवश्य ताज़ी हवा में जागना चाहिए एंड मेंटेन क्लीननेस ऑल अराउंड अस हमारे चारों तरफ साफ सफाई हमें मेंटेन करनी चाहिए। ट्रीज आर लाइफ गिवर्स एंड लाइफ सस्टेनर्स ट्री पेड़ गिवर लाइफ गिवर और लाइफ सस्टेनर कहे जाते हैं। दे कीप द एनवायरमेंट क्लीन वे एनवायरमेंट को क्लीन रखते हैं बाई ईटिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिविंग अस ऑक्सीजन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है फॉर एवरीवन। दे चेक सॉल इरोजन ट्रीज आल्सो सॉल इरोजन को रोक देते हैं एंड एडेड अप टू द एनवायरमेंट एथेटिक को जोड़ देते हैं। वी मस्ट देयर फॉर प्लांट इसलिए हमें अवश्य प्लान करना चाहिए मैनी ट्रीज एज पर पॉसिबल जितने संभव होते हैं। वी मस्ट टेक केयर ऑफ दैम लाइक अवर ऑन चिल्ड्रन हमें उनकी अपने बच्चों की तरह देखभाल करनी चाहिए। नाउ द लास्ट पॉइंट विल बी लास्ट पैराग्राफ विल बी मोस्ट ऑफ द पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द व्हीकल स्मॉग अधिकांश पोल्यूशन इस एनवायरमेंट में व्हीकल से उत्पन्न होता है वाहनों से किया जाता है। इट हैज़ अ पॉइजनस गैसेस इसमें जहरीली गैसें होती हैं विच कॉज डेडली डिजीज जो बहुत ही घातक बीमारी उत्पन्न कर सकती हैं लाइक कैंसर एंड अदर रेस्पिरेटरी डिजीज। वी मस्ट सी हमें बस देखना चाहिए दैट द पोल्यूशन लेवल ऑफ द स्मोक डज नॉट एक्सीड जो पोल्यूशन लेवल होता है वो स्मोक का बढ़े नहीं था पर भी सेविल लेवल दैन साउंड पोल्यूशन इज ऑल्सो ए शॉर्ट ऑफ मेनास वो भी प्रकार की परेशानी होती है। वी मस्ट नॉट अलाउ लाउड स्पीकर बैंड म्यूजिक पार्लर्स टू एक्सीड द साउंड लिमिट बी एंड द प्रस्क्राइब लेवल ओनली दैन विल बी एबल टू हैव अ गुड एनवायरमेंट केवल हम तभी अच्छे वातावरण को ले सकते हैं। इट विल बी अ गुड एट्रीब्यूट ये अच्छे सिद्धांत होगी टू इट ऑन
this World Environment Day. Thanks for all listening to me. Now, in the, you will revise your speech by listening my speech. आप अपने स्पीच को लिखोगे, रिवाइज करोगे हमारी स्पीच को सुनकर इन दिस वीडियो दैट